जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आप लोगों का। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस क्लाइमेटिक सेंटेंस के बारे में। इसके पहले हम जो सेंटेंस के सीरीज में आपको असर्टिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस एंड इम्परेटिव सेंटेंस खत्म कर चुका हूँ, जिसमें चार लेक्चर में मैंने कवर किया है। ये फिफ्थ लेक्चर है और इसमें जो मैं आपको इस क्लाइमेटिक सेंटेंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलो आज सीख लेते हैं इस क्लाइमेटिक सेंटेंस क्या होता है। तो हम लोग को सीखना है इस क्लाइमेटिक सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कि चौथा काइंड है, ठीक है, चौथा काइंड है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस माने होता क्या है? इसका मतलब होता है आश्चर्यबोधक वाक्य। क्या होता है? आश्चर्यबोधक वाक्य, आश्चर्यबोधक वाक्य। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस माने होता है आश्चर्यबोधक वाक्य, आश्चर्यबोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ये हिंदी हो गया। अब इसके डिफिनेशन की बात करते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में आश्चर्य की बात हो, आश्चर्य की बात हो, दुख की बात हो, खुशी की बात हो। समझ में आ गया? जब किसी वाक्य में आश्चर्य की बात हो, दुख की बात हो, खुशी की बात हो, घृणा की बात हो, समझ में आ गया? इस तरह की जब जिस सेंटेंस से हमें पता चलता है तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस को पढ़ने के बाद अगर इस तरह की भावना उत्पन्न होती है तो उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। समझ में आ गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को गाइस बनाते कैसे हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के तीन तरीके हैं। कितने तरीके हैं? तीन तरीके हैं और तीन तरीके से इस सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं हिंदी से इंग्लिश में। तो चलो हर तरीके को हम लोग सीखते हैं यहाँ पे, किन किन तरीकों का यूज करके जो है हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाते हैं। तो पहला जो यूज है वो इंटरजेक्शन वर्ड का यूज करके, इंटरजेक्शन वर्ड का यूज करके। दूसरा जो है वो हाउ का यूज करके, और तीसरा जो है वो वाटे का यूज करके। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है गाइस, इनके अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। क्या होता है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, EXCLAMATION, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। ये जो मार्क लगाया हुआ है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। समझ में आ गया? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग को सीखना है पहले इंटरजेक्शन वर्ड वाले सेंटेंसेज को, कैसे इंटरजेक्शन वर्ड वाले सेंटेंसेज होते हैं। तो देखो उसको किस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब इंटरजेक्शन वर्ड क्या होते हैं? इंटरजेक्शन वर्ड्स वो होते हैं जिनसे हमें आश्चर्य, दुखी और खुशी की बात होती है। जैसे अगर कोई बात अचानक से आप देखते हो, कोई चीज़ अचानक से आ गया तुम्हारे सामने, जैसे मान लो तुम्हारे सामने अचानक से शेर आ गया, तो क्या वाओ शेर, डर जाओगे, डर की एक भावना उत्पन्न करके बोलोगे अरे शेर, अरे क्या बोलोगे, अरे अरे शब्द। तो जो अरे शब्द है वो आपका जो है इंटरजेक्शन होता है। समझ में आ गया? इसी तरह जैसे कोई चीज़ आप, कोई लड़का जो है खेल रहा है अच्छा खेल, और जो है बढ़िया खेल दिया, यानी कि कोई बैटिंग कर रहा था छः रन मार दिया, तो कहते वाओ यार छः रन मार दिया। तो वाओ जो शब्द है आपका वो इस इंटरजेक्शन वर्ड है। तो कैसे इन सेंटेंसेस को बनाते हैं इसको हमको सीखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंटरजेक्शन वर्ड वाले जो सेंटेंसेज है उनको बनाना सीखेंगे, फिर हम लोग हाउ और व्हाट को सीखेंगे। समझ में आ गया? तो देखो जैसे कहता है, बहुत ही फेमस सेंटेंस है वाओ, भारत ने मैच जीत लिया, सेंटेंस है। यहाँ पे देखो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मैंने लगाया है। जब इंटरजेक्शन वर्ड का यूज करके जो है सेंटेंस बनाया जाता है तो उसी इंटरजेक्शन वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है और लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। देखो गाइस इसको बनाने के लिए कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो देखो वाओ भारत ने मैच जीत लिया, तो वाओ जो शब्द है इसकी जो स्पेलिंग होती है वो हुर्रे होता है, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको लगाना है। भारत ने मैच जीत लिया पास्ट इन्फिनिटिव टेंस है, जो कि मैं पढ़ाया नहीं हूँ। जिनको आ रहा होगा वो तो कर लेंगे, जिनको नहीं आ रहा होगा वो घबराएंगे नहीं इस चीज़ को लेकर के। भारत ने मैच जीत लिया, तो भारत की मतलब इंडिया, वॉन द मैच, क्या इंडिया वॉन द मैच, क्लियर सबको, हुर्रे इंडिया वॉन द मैच।
इसी को आप हुर्रे के जगह पे वाओ भी लिख सकते हो, वाओ इंडिया वॉन द मैच। क्लियर। वाओ शब्द खास करके अकेले के लिए होता है, किसके लिए होता है, अकेले के लिए। जब आप अकेले खुद आश्चर्य जताते हो तो वहाँ पे वाओ यूज करो। हुर्रे जो होता है ग्रुप के लिए होता है, जब ढेर सारे ग्रुप में बैठ करके आश्चर्य की बात करते हैं तो वहाँ पे ग्रुप के लिए होता है। ठीक है, मैं आपको इंटरजेक्शन वर्ड्स लिखवा दूंगा। ये पांच तरीके से होता है कि आश्चर्य व्यक्त करने के लिए कौन कौन से वर्ड यूज करेंगे, दुख को व्यक्त करने के लिए कौन से वर्ड यूज करेंगे, खुशी को व्यक्त करने के लिए कौन से वर्ड यूज करेंगे, और घृणा को व्यक्त करने के लिए कौन से वर्ड यूज करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ बनाना सीखो। देखो गाइस, इसको बनाना कैसे है, ये जो वाओ हुर्रे ये सब जो शब्द होते हैं इनको लिख लो, और बाकी जो सेंटेंस जिसमें होता है उसको उस तरह से बना दो। समझ में आ गया? जैसे अरे वह मर गया, अरे वह मर गया। तो अरे की स्पेलिंग एलस, दुख की व्यक्ति हो रही है यहां पे, कोई मरेगा तो दुखी होगा, और दुख को व्यक्त करने के लिए अरे की स्पेलिंग एलस होती है। क्या होती है? एलास, ALAS, एलास। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, वह मर गया यानी कि ही डाइड। क्या लिखोगे? ही डाइड। और ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैं आगे सेंटेंस को जब कंप्लीट कर दूंगा, अभी ऑप्टेटिव सेंटेंस बचा हुआ है, तो कम से कम एक दो तीन वीडियो बाद मैं टेंस पढ़ाऊंगा, तो वहां पे ये सारी चीजें आपको सिखा दूंगा कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करोगे तो मेरा एक मोटिवेशन बनेगा, मैं वीडियो बढ़ा चढ़ा करके बनाऊंगा और अच्छा वीडियो बनाऊंगा। समझ में आ गया? तो आप यहाँ पर जो है कंसंट्रेट कीजिए। अब देखो यहाँ पे अरे की स्पेलिंग मैंने एलस लिख दिया, ठीक है, और वह मर गया, ही डाइड। समझ में आ गया? अरे वह गिर गया, तो एलस, ही फेल डाउन। समझ में आ गया कि नहीं? फेल डाउन, या फिर ELDOWN डाउन। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इंटरजेक्शन वर्ड का किस तरह से बनता है। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप क्वेश्चन कमेंट में कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूँगा। अब जो इसके बाद आता है हाउ और वाटे, हाउ और वाटे को कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग चलो डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब लोग हम लोग बात करेंगे हाउ और वाटे का यूज करने के लिए। किसका? हाउ और वाटे का। तो उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाउ को। क्या पढ़ेंगे? हाउ को। देखो हाउ को कैसे हम लोग पढ़ेंगे, हाउ को सीखने के लिए कहता है जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में कितना, कितनी, कितना, कितनी और कितने, जब किसी वाक्य में कितना, कितनी, कितने शब्द का प्रयोग किया गया हो और उस वाक्य से ये सारे सेंस निकलते हो, आश्चर्य, दुख, खुशी की बात हो रही हो, और वाक्य के अंत में, और वाक्य के अंत में, और वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो। क्या हो? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो, संबोधन चिन्ह लगा हो। जब वाक्य में कितना, कितनी, कितने हो, उस वाक्य को पढ़ने के बाद इसकी भावना उत्पन्न हो, और अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो, ठीक है, और या किसी व्यक्ति के कितना, कितने शब्द लगा करके किसी व्यक्ति के क्वालिटी की क्वांटिटी बता रहा हो, ठीक है, तो वो वहाँ पे हाउ का यूज करते हैं। देखो हाउ का यूज करते कैसे हैं, ध्यान से आप बात को समझना। जैसे लिखा है वह कितना, अभी आपको समझ में आ जाएगा, वह कितना अमीर है। ध्यान से सेंटेंस को समझो, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, कितना शब्द है और अमीर है, वह है, वह कितना अमीर है, आश्चर्य से कहा जा रहा, वह कितना अमीर है। समझ में आ गया? अगर मान लो वह कितना मोटा है, अभी कोई मोटा व्यक्ति है उसको देखा, अरे यार वह कितना मोटा है, आश्चर्य की बात होनी चाहिए यहाँ पे, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बहुत ही बड़ी पहचान है। वह कितना अमीर है अगर क्वेश्चन मार्क लगा देता है तो इंट्रोगेटिव में चला जाएगा बाबू। समझ में आ गया? अगर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएगा तो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा। दिमाग में इस बात को रखिएगा। अब देखो इसको बनाने के लिए क्या होता है, पहले फार्मूला सीखो। फार्मूला कहता है पहले हाउ को लिख लो बेटा, हाउ को लिखने के बाद एडजेक्टिव लिख लो। एडजेक्टिव क्या है? अमीर है, एडजेक्टिव लिख लो। एडजेक्टिव के लिखने के बाद सब्जेक्ट लिख लो, और सब्जेक्ट लिखने के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लिख लो, और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लिख लो। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस
अब देखो हाउ को मैंने यूज किया कितना के लिए, हाउ लगा दिया। एडजेक्टिव क्या, रिच, अमीर की स्पेलिंग रिच होती है। अब सब्जेक्ट क्या हुआ, वह की स्पेलिंग ही लिख दिया, वह के साथ है की स्पेलिंग क्या लगेगा, एज। तो हाउ रिच ही इज, हाउ रिच ही इज, पूरा एक्सप्रेशन के साथ आपको बोलना होगा तो सेंटेंस अच्छा लगेगा। अभी देखो नेक्स्ट सेंटेंस कैसे है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, वह कितना, तुम लगाओ यहाँ पे, आश्चर्य से बोलोगे तुम कितना मोटे हो, तुम कितना मोटे हो, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो आप, क्वेश्चन नहीं पूरा आश्चर्य से उसको बोल रहे हो। अभी क्वेश्चन अगर करते तुम कितने मोटे हो, तो वो बताता कि यार मैं इतना मोटा हूँ, समझ में आ रहा, उसका उत्तर देता। लेकिन यहाँ आश्चर्य से तुम करे यार तुम कितने मोटे हो, तो आप इंस्क्लेमेटिव सेंटेंस बोले। इसको बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे, इसी सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो कितना कितनी शब्द है, ठीक है, मार्कअप एक्सक्लेमेशन है, पहचान हो गया एक्सक्लेमेटरी का। अब हम लोग लिखेंगे हाउ, क्या लिखेंगे, हाउ, मोटा की स्पेलिंग फैट, हाउ फैट, यू है सब्जेक्ट, लिखेंगे फिर सब्जेक्ट क्या, यू, हाउ फैट यू। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, तो आर लिख दो, हाउ फैट यू, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगेगा, समझ में आ गया। तो आई होप आपको यहाँ पे हाउ वाली बात समझ में आ गई होगी, कैसे आपको हाउ से सेंटेंस को बनाया जाता है। इसी तरह तुम कितने पागल हो, हाउ मैड यू आर, वह कितना ईमानदार है, हाउ ऑनेस्ट ही इज, समझ में आ गया, वह कितनी चालाक है, तो हाउ क्लेवर सी इज, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे, आपको ये चीज़ आ जाएगी बनाने। अब बात कर लेते हैं हम लोग वाटे का यूज कैसे करेंगे, सेम वाटे इसी तरह होता, बस थोड़ा सा अंतर होता, बात को समझिएगा। उसको भी बनाने के लिए वाक्य में कितना कितनी कितने शब्द होगा, अंत में इस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, और उसमें भी आश्चर्य, दुख और खुशी और घृणा की बात होगी, समझ में आ गया। बस अंतर थोड़ा सा होगा कि यहाँ पे देखो अमीर दिया हुआ है, यानी कि एडजेक्टिव दिया हुआ है, कोई नाउन नहीं दिया है। जब वाक्य में एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन दिया हो, जैसे वह कितना अमीर आदमी है, क्या मैंने बोला, आदमी है। जब इस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन दिया हो, जब इस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन, वह कितना मोटा लड़का है, क्या मैंने बोला, मोटा लड़का है, यहाँ पे मैं सही से लिख रहा हूँ, मोटा लड़का है। मैंने क्या बताया कि इस एडजेक्टिव के बाद जब कोई नाउन दिया हो, एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन दिया हो, तो बस यही हाउ के जगह पे हम लोग लिख देते हैं व्हाट ए। देखो क्या लिख देंगे, व्हाट ए, तो यहां हम लिख देंगे व्हाट ए, व्हाट ए, समझ में आ गया। अब एडजेक्टिव लिखेंगे, और एडजेक्टिव के बाद हम लोग को लिखना होता है नाउन, क्या लिखना होता है, नाउन, सब चीजें वही होती हैं। एडजेक्टिव के बाद हमको लिखना होता है नाउन, नाउन लिखने के बाद होता लिखना होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लिखने के बाद होता है इज। क्लियर यहाँ पे बात। अब इसको बनाना है कैसे, देखो कैसे बनाएंगे, सारा चीज वही होता है, ठीक है, बस बनाने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। अभी मैं इसको बाद में फिर से लिख दूंगा। अब देखो इसको बनाना है, वह कितना अमीर आदमी है, तो वह कितना अमीर आदमी है, तो कितना की स्पेलिंग आप क्या लिखेंगे, क्योंकि जो है यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद नाउन दिया है तो वाटे लिखेंगे, एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं रहेगा तो वाटे नहीं लिखेंगे, हाउ लिखेंगे। तो देखो वाटे लिखेंगे, वाटे रिच, अमीर है तो रिच, अब नाउन लिखेंगे, नाउन क्या, मैन, वाट ए रिच मैन। अब ही इज, सिंपल सी बात है, ही इज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगला, वह कितना, तुम कितने मोटे लड़के हो, तुम कितने मोटे लड़के हो, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब देखो क्या लिखेंगे, व्हाट है, व्हाट है क्यों लगाया, क्योंकि मोटा यानी कि वर्ब के एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन दिया है, तो व्हाट है फैट बॉय यू और। अब ये सेंटेंस बाबू समझ में आपको आ गया होगा। अब देखो इसको किसी भी तरह से कैसे, तुम कितने काले हो, वह कितना अमीर है, तुम कितने बुद्धिमान लड़के हो, समझ में आ गया कि नहीं। तो आप इस तरह से इसको बनाना जान चुके होंगे, आपको समझ में भी आ गया होगा, और आप अगर इसका प्रैक्टिस घर पे करते हो, ठीक है, तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। और जो नहीं प्रैक्टिस करेगा बाबू, उसको कभी नहीं आना है। सीओ की सीधी एक बात समझ में आ गया कि जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो कुछ नहीं सीख पाएगा।
आपको जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं बाबू उसका घर पे तुरंत प्रैक्टिस किया करो। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर पाओगे। कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे गणित हो, चाहे कोई भी हो, आता उसी को है जो घर पे प्रैक्टिस करता है। क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट पर्सन। प्रैक्टिस ही जो है एक अच्छा इंसान बनाता है, एक परफेक्ट इंसान बनाता है। आप यहाँ पे सीख गए लेकिन अभी परफेक्ट नहीं हुए हो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जिस दिन आप प्रैक्टिस कर लिए अच्छे से, उस दिन परफेक्ट हो जाओगे मेरी तरह, या फिर हमसे बेहतरीन बन सकते हो। समझ में आ गया? तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बाबू। कोई भी चीज़ पढ़िए, उसको प्रैक्टिस में लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, तभी जा करके आप जो है अच्छा अचीवमेंट प्राप्त कर पाओगे। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया? तो बाबू मैं जो पढ़ाया हूँ, जो बच्चा जो है प्रैक्टिस कर लिया इसका तीनों का, तो वो जान लो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ गया और जान भी गया। ठीक है? और दोस्तों मैं कहता हूँ, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। ठीक है? तो आई होप आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी, पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब बचा एक टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी का, छोटी सी बात है। इंटरजेक्शन वर्ड्स जो होते हैं जिनसे हम अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त करते हैं, उनको लिखवाना है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूंगा, कोई छोटा सा वीडियो डाल दूंगा, आप जो है वहाँ पे जाकर के उस चीज़ को लिख लीजिएगा, सीख लीजिएगा। ठीक है? आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।